हमने पढ़े थे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये दोनों जो हैं बेटे ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं, लेकिन हड्डी से कम सख्त लेकिन टफ ये जरूर होते हैं, ताकि इन्होंने दो काम करने हैं। एक तो जहां पर जोड़ मौजूद है वहां पर एक हड्डी से दूसरी, उस जोड़ की दूसरी हड्डी तक, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करना, बोन को बोन के साथ जोड़ने का काम करना, या इन्होंने स्केलेटल मसल को हड्डी के साथ जोड़ना होता है। तो इसलिए इनका सख्त होना बनता है, रिजिड होना बनता है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मेड अप ऑफ कोलेजन, किसके बने होते हैं? टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल टू बोन। ये जो हैं दोनों टफ बैंड्स ही बने, दोनों कोलेजन फाइबर के हुए हैं। टेंडन क्या होता है? दैट अटैचेस मसल टू बोन्स। ये हमारा अगर बाइसेप है, ये इस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मसल अपने ही रेशों से नहीं जुड़ा हुआ, मसल एंड होगा एक टेंडन के अंदर, वो टेंडन इसको हड्डी के साथ जोड़ेगा। अब जब इसको हमने बेंड करना है या इसको हमने एक्सटेंड करना है, तो इस बाइसेप के साथ साथ इस टेंडन का भी मजबूत होना जरूरी है। लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स आल्सो दे आर टफ बैंड्स, दे अटैच अ बोन विथ बोन। और ज्यादातर मैंने कहा ये मौजूद होते हैं जोड़ों पर। लिगामेंट्स कहां पे मौजूद होते हैं? जोड़ों पर। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सीबल बैंड्स एंड जॉइन वन बोन टू एन अदर एट जॉइंट्स। अब इनका फायदा क्या होता है? लिगामेंट्स का डिसलोकेशन बच जाती है, आप गिरते हो या चोट लगती है हड्डी अपनी जगह नहीं छोड़ती। ये आपने देखा है कभी टेंडन? देखा है कभी कहां पे? हैं? आम मिसाल मैं बताता हूं आपको, कभी लेग पीस पका हुआ देखा है? हैं? देखा है कभी? शुक्र है, मैं तो क्या मेरे वर्गे गरीब ही हो। जब वो पका हुआ होता है तो उसकी एक साइड पे ऐसे एक रेशा सा लटक रहा होता है, पके हुए की बात कर रहा हूं। ये सारा मसल होता है और वो चर्बी सी अलग नजर आ रही होती है, ऐसे ही है। वो खा लेते हो? हैं? अच्छा, ये जो है ये आपका टेंडन होता है, और ये पकने के बावजूद उस लेवल का नहीं गला होता, उस लेवल का नहीं पका होता जिस लेवल का आपका वो गोश्त उससे ऊपर मौजूद पका होता है। गोश्त जो है वो मसल है, और ये जो बैंड होता है टफ बैंड, ये तब भी सख्त ही होता है तकरीबन, गोश्त की निस्बत तब भी ये सख्त होता है। तो ये वाला जो होता है ये टेंडन होता है, जो इस मसल को हड्डी के साथ जोड़ रहा होता है। यहाँ तक रखते हैं बेटे, इंशाल्लाह बाकी आगे बढ़ेंगे।